आज जो तिरंगा अवार्ड किया है, माइंड ब्लोइंग ऑसम। मैं हिंदुस्तान में ऐसे काफी अवार्ड देखे हैं, मगर मैंने आज तक ऐसा अवार्ड बहुत लाइफ में नहीं देखा है। जो आपने 15 अगस्त को लोगों को सेलिब्रेट किया और इतनी उमंग के साथ में और एक नारी होके, तो ये शिक्षा आपको कहाँ से मिली और आप जो आज ऐसा किया इसके बारे में कुछ देश को संदेश देना चाहेंगे 15 अगस्त के लिए? मैंने शिक्षा नहीं ली, ये राकेश रोशन है, 4-5 साल से कर रहे थे लेकिन वो कोई मतलब जानता नहीं ऐसा। तो मैं 2-3 साल से उसके साथ हूँ, तो मुझसे कहा गया कि माँ अगर आप सपोर्ट करेंगी तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। मैंने सपोर्ट करना है बिल्कुल करेंगे, हमने सपोर्ट किया और जनता ने सपोर्ट किया, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। तिरंगा हमारा सर का ताज है और ये हमारी पहचान है, तो ये पहचान जब गले में आती है तो लोगों के सीने और चौड़े हो जाते हैं, जो हमने आज इस फंक्शन में देखा। और सभी के चेहरे पे वो मुस्कान है जिसके गले में तिरंगा है, वो जिसके गले में नहीं है दूसरे को देख के खुश हो रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जो मीडिया का सपोर्ट है उसके लिए तो शब्द नहीं है। और जो नारियों का जो सम्मान है, जो नारी के लिए इतना बड़ा काम कर रही है और ये नारियों में आपने जोश दिया है कि देखो नारी होकर क्या नहीं कर सकती है, लोग तो करते हैं, तो नारी को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं सब नारी को ये कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ एक सुंदरी ठाकुर नहीं होनी चाहिए, हर चौराहे पे, हर एक नुक्कड़ पर, हर एक गली में सुंदरी ठाकुर होनी चाहिए। ना पुलिस स्टेशन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी की पड़ेगी। बस यही अपनी सभी बहनों से निवेदन करती हूँ कि इसमें से अगर आधी भी सुन लेगी तो मतलब देश की इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि शायद अंदाजा नहीं है। एक 15 अगस्त पर मैसेज दीजिए, जो आपका झंडा जो आपने फहराया है, तो तिरंगा है ना, इसकी शान है ना, उसके लिए मैं मैसेज कह दूंगी, अपने आप में एक मैसेज है। और ये जो गले में पड़े, इससे बड़े मैसेज तो कोई हो ही नहीं सकते। ये हमारे देश की आन बान शान है, ये हमारे पास है, तो हमारे पास हिंदुस्तान जहाँ हमारे मतलब हिंदुस्तान हमारे गले में लिपटा हुआ है, वो हिसाब है सबके गले में जो पड़ा हुआ है, वो ऐसे लग रहा है पूरा हिंदुस्तान हमसे गले मिल रहा है। सो हम तो कहेंगे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में हम लोग ऐसे ही हंसी खुशी 15 अगस्त मनाएं और सब एकत्र होके भाईचारा निभाएं, इसमें जात भेदभाव खत्म कर दीजिए, एकत्र हो जाइए, ये हमारी सबसे निवेदन। दो शब्द मैडम बॉलीवुड न्यूज स्टेशन के लिए क्या बोलना चाहेंगी? बॉलीवुड के लिए मैं ज़्यादा बॉलीवुड में नहीं हूँ, उनके समक्ष में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, अपने अपने में एक एक तुरंदार है, मगर मैं चाहती हूँ जो छोटे कलाकार हैं उनको अगर जैसे अभी आपने जूनियर डिमेंट से उनसे सम्मान लिया है, आप सोच रहे हैं इतने बड़े बड़े लोग मेरे साथ थे लेकिन मैंने नहीं लिया, मैं सोच के बैठी कुछ यूनिक दिखे तो मुझे दिखे कि ये हमारे देश का भविष्य है, इनसे सम्मान करना यानी मेरा बहुत बड़ा सम्मान है। सो थैंक यू ऑल चाइल्ड, आप आगे बढ़िए, मैं ऑलवेज साथ, जब भी आंटी की जरूरत पड़े खाली सीटी मारना, आंटी आ जाओगे। थैंक यू सो मच।